हेलो दोस्तों, आप विवेक बिंद्रा को जानते ही होंगे, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर, कोचिंग और वो एक मनुवादी मानसिकता वाला एक व्यक्ति है, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। दोस्तों, विवेक बिंद्रा ने कहा है कि शूद्र को आदेश का पालन ही करना चाहिए, शूद्र को राजनीति में नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर तमाम बहुजनों का उसने दिल दुखाया है और वो मनुवादी मानसिकता का उसने प्रदर्शन किया है। दोस्तों, जो विवेक बिंद्रा है वो मोटिवेशनल स्पीकर है, अगर उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे। विवेक बिंद्रा ने कहा है कि शूद्र को हमेशा दूसरे का आदेश का पालन करना चाहिए, वो राजनीति में नहीं आना चाहिए। शूद्रों का जो भारत में जो वर्ण व्यवस्था है उसी में उसमें रहना चाहिए, ये मनुवादी विचारधारा उसमें पनप रही है। दोस्तों, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि भारत देश मनुवादी वर्ण व्यवस्था से नहीं चलता, तो भारत देश भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान से चलता है। तो संविधान ने हमको आज़ादी दी, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको पढ़ने लिखने का, राजनीति सब जगह पर हमारा एक अधिकार है। तो आप इस संविधान विरोधी है, आपने जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है, तो हम इनके लिए आपकी कड़ी निंदा करते हैं। दोस्तों, यह विवेक बिंद्रा, इनको आज जब मैंने ट्विटर पे देखा तो इसकी बहुत बड़ी आलोचना हुई है विवेक बिंद्रा को। उनको आप उनको जो कोचिंग है, मोटिवेशनल है, आप मुझे आह्वान है कि आप उसके मोटिवेशनल प्रोग्राम में मत जाओ, क्योंकि ऐसी मनुवादी मानसिकता वाले लोग इस देश को वर्ण व्यवस्था का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान।